So personality, color, our value, belief and expectations, ये सारी वो चीजें हैं जिनको कि हमें किसी के साथ में शेयर करना है, या हमारी पर्सनालिटी जिनके ऊपर बेस्ड होती है, आवर वैल्यूज, हम किन सिद्धांतों पर चलते हैं, हम किन सिद्धांतों पर बेस्ड बातें करते हैं, या हम किन सिद्धांतों को लेकर जीवन में आगे चलना चाहते हैं, उनका इफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इन वैल्यूज को कहीं ना कहीं जज करता है। अगर हम बात करें एज अ टीचर, तो टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि हमारे हिंदुस्तान में कहावत है और शुरू से शायद बचपन से सभी ने सुनी होगी, छड़ी पड़े छमा छम और विद्या आए झमाझम। तो जब तक छड़ी नहीं पड़ती तब तक विद्या नहीं आती, ऐसा हमारे हिंदुस्तानियों का मानना है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या बच्चा चाहता है कि उसको छड़ी पड़े, तो बच्चा कभी नहीं चाहेगा या कभी ऐसा थॉट नहीं रखेगा कि उसको किसी भी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़े या कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको तकलीफ दे, वो मैटर कहीं भी आए। आज जितने भी टीचर्स हैं जो आज उसको डांट रहे हैं, जो उसको परेशान कर रहे हैं, जो उसको काम करने को बोल रहे हैं, जो उसको कहीं ना कहीं उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने को बोल रहे हैं, वो सारे टीचर्स उसको आज बुरे लग सकते हैं, लेकिन जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि वही काम उसके काम आ रहा है या उन्हीं चीजों के कारण आज उसकी पहचान बन रही है, तो उस दिन वो उसको रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो ये वैल्यूज जो है वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट होती है, भले ही आप डांट रहे हो लेकिन उसका सबकॉन्शियस ब्रेन रीड कर रहा है कि आप उसके काम के लिए उसको डांट रहे हो, आप उसको बिना वजह नहीं डांट रहे हो, या जब भी आप उसको बिना वजह डांट रहे हो तो भी उसका दिमाग कैलकुलेट कर रहा है कि ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए डांटा जा रहा है। सो देर आर ह्यूमन ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर आप बात करें तो हमारा जेनेटिक जितना उद्भवन हुआ है या जेनेटिक डेवलपमेंट हमारा जितना भी हुआ है, वो पूरा का पूरा सिक्वेंशियली जीन्स के रूप में हमारे जीन्स में स्टोर्ड है या हमारे क्रोमोसोम्स में स्टोर्ड है, और हमने पूरी एक एक इंफॉर्मेशन को केमिकली स्टोर करके रखा हुआ है। तो आज तक का जितना भी हमने स्ट्रगल किया है वो सारी चीजें आज तक हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। सो आवर सबकॉन्शियस ब्रेन इज मच मोर इंटेलिजेंट एंड कैलकुलेटिव इन कंपैरिजन टू आवर कॉन्शियस ब्रेन। सो जब भी हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस ब्रेन इसको कैलकुलेट कर रहा है, तो उसका थॉट प्रोसेस या उसकी जो कैपेबिलिटी है हम उस पर शंका नहीं कर सकते, क्योंकि ये तब से काम कर रहा है जब से हम इंसान भी नहीं थे। तो जो उसकी इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। नेक्स्ट इज बिलीफ। सो दिस इज माय बिलीफ दैट अगर हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं या किसी चीज पर भरोसा करते हैं या हम कोई अवधारणा रखते हैं, तो वो अवधारणाएं जो है वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को मानने लगता है या उस चीज के ऊपर कायम रहने लगता है। जैसे अगर हम बात करें कि मैं चाहूं कि मतलब मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं कि मैं 100 मीटर रेस को इतनी देर में पूरा करूंगा, माय फिजिकल कैपेबिलिटीज, और या 10 मिनट में मैं 100 मीटर दौड़ जाऊंगा या 5 मिनट में 100 मीटर दौड़ जाऊंगा, तो हो सकता है मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज इतनी ना हो, लेकिन ड्यू टू माय सबकॉन्शियस ब्रेन हो सकता है कि जब मैं दौड़ने लगूं तब मुझे थोड़ा सा बूस्टर मिल जाए या थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, तो हो सकता है वो 5 की जगह पे 3 हो जाए, 2 हो जाए, लेकिन वो कम होगा। अगर वो 5 होने वाला था तो वो कहीं ना कहीं 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा बिलीव कर लिया है कि ऐसा होगा, तो वो मेरी बॉडी उसके लिए तैयार भी होगी और उसके साथ साथ वो
उसको रिएक्ट भी करेगी. सो दिस इज बिलीफ. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशन अभी यहां पर पंक्षी मैडम है और बाकी भी सीनियर फैकल्टीज हैं जिनको कि मुझे नहीं लगता कि जो साइकोलॉजी के लोग हैं उनको एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताने की कोई आवश्यकता है. तो एक्सपेक्टेशन एक ऐसा मुद्दा है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम एक आदमी के साथ जब भी कम्युनिकेट करना चाहेंगे या जब भी हम उसके साथ में रूबरू होंगे तब सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट होगी दैट इज एक्सपेक्टेशन. अगर आज आप लोग मान के बैठे थे कि आज यहाँ का लेक्चर जो है वो बिंद्रा जी देने वाले हैं और अगर मैं आपको दिखूंगा तो कहीं ना कहीं वो लेक्चर मैं कितना भी अच्छा दूं आप उस लेक्चर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि योर एक्सपेक्टेशंस आर मच मोर हायर. और आप सुनने से पहले उसके लिए एक भूमिका या एक दिमाग में आपका बेसलाइन बना चुके होंगे कि वो लेक्चर क्या और कैसा होने वाला है. सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन. और जब भी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं तो आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हाई होती है और एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो हर बार में बढ़ती है, कभी कम नहीं होती. वो हमेशा जब भी आप उसकी बात करेंगे तो वो हर बार आपको एक लेवल बढ़कर ही मिलेगी. अगर पिछली बार आपने 1 किया था तो इस बार आपको 2 करना है, इस बार 2 किया है तो अगली बार आपको 3 करना है. इसका मतलब हर बार आपको एक्सपेक्टेशन एक ग्रेड बढ़कर ही मिलनी है या एक ग्रेड आपको उसको हाईएस्ट साइड में ही लेके जाना है. तो अपग्रेडेशन ऑफ योर सेल्फ इज द की फॉर योर एक्सपेक्टेशन. Now, our next part is